नीचे से ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह सब खैर वाफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम लोग न्यूटेला शेक बनाने लगे हैं और इसकी रेसिपी मेरी बहू आपके साथ शेयर करेगी। तो चलो बेटा बताओ मेरे व्यूअर्स को कैसे आप बनाती हो। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं न्यूटेला शेक। न्यूटेला जैसे कि किंग ऑफ चॉकलेट है, सबसे अच्छा फ्लेवर ये होता है और सबको पसंद होता है ये। तो आप घर बैठे बहुत अच्छा शेक बना सकते हैं, सिर्फ ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके मिलने से बहुत अच्छा शेक, रेस्टोरेंट स्टाइल शेक आप घर बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो दूध, इसके बाद ये आइसक्रीम, और सबसे फॉरमोस्ट चीज जो है वो है न्यूटेला। और इसके अलावा हम इसमें चॉकलेट डेयरी मिल्क में यूज कर रही हूँ। आप ये भी आपकी अपनी चॉइस है, आप ये यूज करना चाहें या कोई भी चॉकलेट आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये हर्शे सिरप है, ये मैं ग्लास की ड्रेसिंग इससे करूंगी। क्रीम और जो कंडेंस मिल्क है ये ऑप्शनल है, ये आप अगर डाल लें तो इससे बहुत अच्छा, बहुत रिच फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ न्यूटेला का। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध ये मैं तकरीबन एक गिलास बना रही हूँ, तो ये आप बस देख लें एक गिलास के अकॉर्डिंग बस डाल लें, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी आइस भी डाल रहे हैं तो उससे भी ये थोड़ा हो जाएगा, बट इतना ऑलमोस्ट बहुत है। ये तकरीबन एक गिलास की दूध मैंने इसमें डाला, ठीक है। और इसके बाद आपने आइसक्रीम जो है, जितनी आप आइसक्रीम डालेंगे, ये मैंने वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का लिया है, ये देखिए 1 स्पून और 2 स्पून, ये देखिए। इसमें आप जितनी आइसक्रीम डालेंगे ना उतना ही ये थिक बनेगा और उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये कंडेंस मिल्क है, ये ऑप्शनल है, मैं इसमें सिर्फ टेस्ट देने के लिए, बहुत लाइट सा टेस्ट देने के लिए 1/2 टीस्पून तकरीबन मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा ये ना हो, इससे टेस्ट ज्यादा हो जाए। तो आपने इसको चेक कर लेना, और ये भी आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। डालना आपने तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अच्छा, और ये क्रीम मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून में डाल रही हूँ बस क्रीम। इससे भी बहुत थिक बनेगा और बड़ा अच्छा टेक्स्चर आता है इसका। और ये मैंने जो डेयरी मिल्क चॉकलेट ली थी, ये इसके मैं ये सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स डाल रही हूँ, ये देखिए। बाकी मैं इसकी इंशाल्लाह इससे ड्रेसिंग करूंगी। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें अब ये हो गया, अच्छे से ब्लेंड हो गया सब कुछ इसके अंदर। और ये देखें कितनी अच्छी इसके ऊपर से आ गया, या सब कुछ अच्छे से मिक्स इसके अंदर हो गया। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारा हो गया था ब्लेंड अच्छे से, अब मैं ग्लास की ड्रेसिंग कर रही हूँ इससे। अच्छा, ये आपने ऐसे इसको करते जाना है, थोड़ा सा डालते सिरप और राउंड ग्लास को फुल देते जाना है। और ये बड़े अच्छे से देखिए अंदर ग्लास सेट हो रहा है, ये देखिए एक बिल्कुल एक रैंडम शेप आ रही है और बहुत अच्छा हमारा ग्लास डेकोरेट हो रहा है, ये देखिए। चल जी व्यूअर्स, अब मैं बस इसमें शेक डालने लगी हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी आइसक्रीम जो है इसके स्टार्ट में, पहले ग्लास में मैं ये डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये शेक में आइसक्रीम जितनी होगी उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बस हम इसमें शेक डाल रहे हैं, ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर इसकी मजीद जो थोड़ी ड्रेसिंग है उसके लिए मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये देखिए।
आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना इसका टॉप चाहे फिल कर सकते हैं क्रीम से, ये देखिए। और इस पे अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट डालूंगी। अच्छा, ये चॉकलेट फ्यूवर्स है, जस्ट लास्ट में टॉपिंग कर रही है इस चॉकलेट की। इसमें कैरेमल था तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इसमें। या आप ये भी आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप चॉकलेट पसंद करते हैं आप उतनी चॉकलेट ऐड कर लें। ये देखिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस लास्ट में ये चॉकलेट सिरप है, इससे इसको इसकी प्रेजेंटेशन और हम अच्छी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमारा न्यूटेला शेक तैयार हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।